श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान अध्याय 2 श्लोक नंबर 58। इसमें बहुत बढ़िया उदाहरण दे रखा से कछुए का। अग भाई कछुआ जिस प्रकार अपने सारे अंगा ने भीतर समेट ले से, इसी प्रकार जो एक मनुष्य से उसने अपनी इंद्रियां के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो उसने समेट कर रखो। इससे ज्ञान ने कहे से अग भाई स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठा। क्यों अग भाई जब जरूरत हो जब अपनी इंद्रियां ने इस्तेमाल कर लो, और जब जरूरत ना हो तो भाई उसने उस ऊर्जा ने अपनी ने बचा कर रखो। तो इसमें उदाहरण दिया अग भाई जब आवश्यकता हो तो शस्त्र का प्रहार करना चाहिए, और आवश्यकता नहीं से तो शस्त्र ने अपना समेट कर रखो। तो इससे प्रकार जो हमारा यो जीवन से यो भी एक कुरुक्षेत्र से, इसमें भगवान ने मरते ही 10 इंद्रियां दे रखी से, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। पर हम की करें से बिना आत्मा में स्थित हुए अपनी इन इंद्रियां का गलत इस्तेमाल करें हैं, और इंद्रियां के जो विषय हैं उनका भी गलत इस्तेमाल करें हैं। जुकर भाई दो आदमी इकट्ठे बैठ गए और बात करने लग गए, अग भाई किसी की बुराई करने लग गए, किसी की चुगली करने लग गए, किसे ताई बुरा भला कहने लग गए। तो क्या होया अग भाई जो कान करण इंद्रिय से उसमें बीमारी आवेगी। इब बहुत सारे बालक व्हाट्सएप पे अपनी आँखें ते बिना बात व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहे से, तो आँखें में कमजोरी तो आवेगी। तो इंद्रियां और उसके विषय उनका ऊपर नियंत्रण करना हमारी जिम्मेवारी से खुद की। कोई ना बतावा आके अग भाई तू अपनी आँख बंद कर ले, कोई ना बतावा अग भाई तू ये बुंडी बात ना करा कर। तो ये जो हमने अपनी इंद्रियां के ऊपर नियंत्रण करना से, यो हमने खुद सीखना से, और खुद हमने अपनी प्रज्ञा प्रतिष्ठा करनी से। क्यों जब हम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाओगी, तो हमने अपनी इंद्रियां का सही इस्तेमाल करना से, जब जरूरत हो इस्तेमाल करो, और जब जरूरत नहीं से तो भाई उसकी ऊर्जा ने अपनी बचा कर रखो। नहीं तो आज हम देखन लाग रहे से बेरानी सारे हॉस्पिटल में बेरानी कितने बीमारी भरी पड़ी से। क्यों हमने अपनी 10 इंद्रियां का इस्तेमाल उन्हें करना आता। जनू हाथ पैर से अग भाई हाथ पैर क्यों दिए से, ये कर्म इंद्रिय क्यों दी से, अग भाई इनका सही इस्तेमाल करो। घूमो फिरो, योगा करो, प्राणायाम करो, चलो फिरो, हैं बैठे बैठे बीमारी आ जाओगी, जोड़ा में दर्द आ जाओगा। तो हमने अपनी इंद्रियां का, चाहे वह कर्म इंद्रिय से चाहे वह ज्ञान इंद्रिय से, इनका सही इस्तेमाल करना से। और जब कछुए की डाल जब जरूरत हो तो भाई अपने वह अंग काट लो बाहर, अपनी इंद्रियां का इस्तेमाल कर लो, और जब जरूरत नहीं से तंगा ने कछुए की डाल समेट कर रख लो, न्यू अपनी इंद्रियां का अपनी ऊर्जा बचा कर रख लो। पर यह यू क्यों कराओगा, यू आओगा ध्यान करण तक। यह बात हमने सिर्फ और सिर्फ हमने ध्यान करण तक समझ आओगी जब हम अंतर्मुखी होंगे, हम अपनी आत्मा में स्थित होंगे। और आत्मा में स्थित होने का एक का रास्ता से वो से ध्यान, अपनी आँख बंद करके बैठो, अपना विश्लेषण करो अग भाई की गलती कर रखी सर, आगे के सुधार करना से, तो अपना जीवन का विश्लेषण करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। यो इस श्लोक का भावार्थ है।